नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका अपना राहुल, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास और स्पेशल है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप के थ्रू आप जो है बर्थडे के लिए बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बना सकते हैं और अपने कोई भी फ्रेंड है, कोई फैमिली वाले हैं, उनको बर्थडे विश कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बर्थडे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। तो ये प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है, नेम ऑन बर्थडे केक आप टाइप कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले से सर्च करके रखा था तो आ गया है, तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में नेम ऑन बर्थडे केक ऐप जो है वो आ चुका है। अगर ये ऐप आपको प्ले स्टोर में आसानी से नहीं मिलता है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और स्टार्ट का ऑप्शन आ गया है, तो स्टार्ट के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल गया है। नेम ऑन केक मतलब केक के ऊपर में आप अपना नाम लिख सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है फ़ोटो ऑन केक, वही मतलब अपना फ़ोटो जो है आप बर्थडे केक के ऊपर लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए थर्ड में वीडियो मेकर है, तो ये वीडियो मेकर में आपको बर्थडे वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं। तो इसको क्लिक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा गैलरी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जिसका भी बर्थडे है उसका फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा भी बर्थडे आने वाला है तो मैं अपने लिए ही वीडियो बना लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे पारी पारी फ़ोटो सेलेक्ट करते जाना है। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको इसको, इस तरीके से आपको बहुत सारा सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी फ़ोटो आप जिसका भी बर्थडे है। तो ये देखिए मैं अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ, 11 फ़ोटो। अब ऊपर में देखिए आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए फिर एक बार नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर इसको क्लिक कर लें, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरीके से वीडियो बना है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट है, ये वाला देखिए यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है आपको। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको इसमें कर सकते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है बिल्कुल इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आपको कौन सा अच्छा लगता है, उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है, इसको करके देखते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप देख लीजिएगा, तो ये अच्छा लग रहा है मेरे को, इसी को रहने देता हूँ मैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए साइड में आपको फ्रेम का ऑप्शन दिख रहा है, तो फ्रेम के ऑप्शन को आपको क्लिक कर लें। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्रेम दिखने के लिए मिल जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं आपका जो भी अच्छा लगे आपको वो वाला फ्रेम लगा सकते हैं। तो चलिए ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, तो इसको रहने देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बगल में आपको म्यूज़िक का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसमें इस ऐप में आपको म्यूज़िक का ऑप्शन दिया हुआ है, बर्थडे म्यूज़िक का 7-8 दिया हुआ है, तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी पसंद होगा वो वाला आप बर्थडे सॉन्ग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको आप देखिए यहाँ पे डाउनलोड वाला जो सॉन्ग रहेगा वो स्टोरेज सॉन्ग में मिलेगा, तो इसको क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी गैलरी में सेव रहता है पहले से, जो सॉन्ग सेव करके रखे रहते हैं वो इसमें आता है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी में से कोई एक सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर में, तो यहाँ डन कर लेना है आपको, तो इसको डन कर लेंगे। अब ये डन हो गया है, वो वाला अभी जो सॉन्ग डाला हूँ इसमें ऐड हो चुका है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बगल में देखिए टाइम लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन फॉर ईच फ्रेम, मतलब जो फ्रेम आ रहा है ऐसे घूम घूम के उसका आपको क्या करना है, ड्यूरेशन है, तो इसमें आप टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं कि कितने समय बाद आना है करके। तो इसमें को इस हिसाब से कर सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, देखिए जल्दी जल्दी आ रहा है, और इसको 4 में करेंगे तो और जल्दी जल्दी आएगा, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसको आपको अपने हिसाब से सेट कर लें। अब देख सकते हैं यहाँ बगल में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको क्लिक कर लेते हैं। तो चलिए टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, राहुल। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट भी मिल जाएगा देखने के लिए इस तरीके से, बहुत अच्छा अच्छा फॉन्ट है, तो आपको जो अच्छा लगता है उस फॉन्ट में आप रहने दीजिएगा। तो चलिए ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, ऊपर में डन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लें, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो इसको आपको एडजस्ट कर लेना है कहाँ पे रखना है, तो अच्छे से इसको ऐसे आप घुमा भी सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। तो चलिए मैं इधर साइड में इधर रख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आपको कहाँ पर इसको सेट करना है। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं बिल्कुल इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आपको
देखिए यहाँ बगल में स्टिकर का ऑप्शन दिख रहा है, तो स्टिकर के ऑप्शन को आपको क्लिक कर लेना है, तो इसको क्लिक कर लेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टिकर देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो स्टिकर आपको अच्छा लगता है उसको इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि किसी का एज कितना हुआ है उस हिसाब से, देखिए यहाँ पे आप एज के हिसाब से इसमें नंबर भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाला स्टिकर कर देता हूँ इसमें, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए इसको कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छा से इधर एडजस्ट कर लेते हैं साइड में, या फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा इधर कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये सब हो गया, आपको स्टिकर वगैरह डाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, फाइनली वीडियो को सेव करना है। तो ऊपर में देखिए सेव का ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको आपको क्लिक कर लेना है, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए हमारा वीडियो जो है वो सेव हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए हमारा वीडियो जो है वो सेव हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब रही बात, आप हमेशा पूछते हैं, इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें आपको म्यूज़िक में प्रॉब्लम था, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है, और यहाँ पे आपको गैलरी में सेव करने में प्रॉब्लम होता था। तो देखिए ये यहाँ पे अभी सेव हो गया है, इसको आप व्हाट्सअप में, इंस्टाग्राम वगैरह में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक वगैरह में। और इसको गैलरी में सेव करना है, तो ये लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसको क्लिक कर लेते हैं, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, देखिए यहाँ पे कॉपी टू फाइल लिखा हुआ है ये वाला, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज गूगल ड्राइव वगैरह आ गया है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपके में मेमोरी का भी ऑप्शन आ सकता है, अगर मेमोरी कार्ड रखे होंगे तो। चलिए इसमें आपको क्लिक करना है इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना, तो इसको क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे इधर आपका वीडियो आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका वीडियो आ गया होगा। आप गैलरी में अपना सर्च कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये वीडियो आपके गैलरी में आ गया है। तो इस तरीके से आप वीडियो को गैलरी में सेव कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपने मेरे एक वीडियो है जो फोटोज़ बर्थडे वीडियो कैसे बनाए, उसको बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। उसमें मेरे को 1 मिलियन व्यूज़ मिला हुआ है, तो आप, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप इतना शेयर करें कि इसमें भी अच्छा खासा व्यूज़ आ जाए। और ये वीडियो आपको अगर यूज़फुल लगता है तभी आप इसको शेयर कर दीजिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।